Uh, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपकी कंपनी एक सौ साल की लेगेसी से जुड़ी हुई है तो सबसे बड़ी बात क्या है विरासत को पाना या उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी है कि विरासत पाना तो आसान है पर एवरी डे यू हैव टू बी ऑन योर दिस क्या इट इज़ वेरी मेंटेन एन हंड्रेड योर ओल्ड लेगेसी बिल्कुल sure well. yes, yes, yes. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि, कि, you know, किस तरह से आपने कि आपको एक करना है? जो भी कंट्रीब्यूशन मेरे मदर मेरे फादर का मेरे बॉन एंड बॉटम में रहा है वैसे ही मैं सोचता हूँ कि वैसे ही कंट्रीब्यूशन पॉपुलर पेंट्स का भी रहा है क्योंकि सब कुछ मेरे को उसी से मिला है मतलब मेरा एजुकेशन मेरा माई एवरी गॉट फ्रॉम पॉपुलर पेंट्स सो वेन आई डिसाइडेड टू गो टू लंडन आई मेड अ प्रोमिस टू माई फादर के अब्बा मैं जा तो ज़रूर रहा रहूँ पर आऊँगा आई विल कम बैक टू इंडिया एंड रायपुर तो जब वापस आया तो इट वॉज माई कमिटमेंट टू माई फादर एंड पॉपुलर फ्रेंड्स के मैं इस इंडस्ट्री में वापस आके मेरे फादर के साथ मेरे ब्रदर के साथ साथ में काम करूँगा करके सो so, ये पहले से ही जहन में था कि आके यही बिज़नेस को ज्वाइन करना है करके और 40 साल पुरानी है कंपनी, yes, 40 years. 40 years, and I'm yeah. sure it's a very competitive। अलग-अलग ब्रांड्स नए लॉन्च। तो किस तरह से आप अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी करते हैं, सो दैट यू कैन स्टैंड आउट इन मार्केट हमारा जो यूजुअल uh, मार्केट है वो रूरल मार्केट है तो वी कंपनी जो एक आम आदमी देश का चाहता है वही प्रोडक्ट बनाए हैं दूसरा कनेक्टेड टू आर डीलर्स एंड आर कस्टमर्स कि जब आपका कस्टमर ये चाहता है कि भाई ये पॉपुलर पेंट और कॉक ब्रांड मेरा प्रोडक्ट है मेरा ब्रांड है जब वो काउंटर पर पुराना पाउच लेके आता है मोला ये ये ब्रांड दे तो इसके लिए ना हमने हमारा जो कनेक्ट टूअर्ड्स मार्केट मीटिंग डीलर्स एंड जो रूरल मार्केटिंग है हमारी उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा है तो वी आर एन कंपनी। और एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी है चाहे वो इनोवेशन हो रिसर्च या डेवलपमेंट हो पर सबसे ज्यादा जरूरी है कंपनी का विजन तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप किस विजन से कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं हमारा विजन है कि हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देना चाहते हैं इस प्राइस में देना चाहते हैं कि जो बजट फ्रेंडली हो इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस कॉम्पिटेटिव मार्केट जैसे कि भाई ने बोला कि हम लोग मिडिल क्लास आदमी को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम उनको टारगेट कर सकें क्वालिटी में दे सकें उनके पॉकेट फ्रेंडली हो और उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऑन टाइम डिलीवर कर सकें उनको तो

के काका बाबा दादा इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं हम लोग सात भाई हैं कजिन्स हैं जो अलग अलग पोलिटिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं बारह लोग एक ही फैमिली में रहते हैं यस really? okay. yes. इसके अंदर ना जो सबसे बड़ा रोल है ना वो आपके बुजुर्गों का है hmm. तो इस बात के लिए ना आई वुड थैंक माई ग्रैंड फादर ही वॉज द मोस्ट विजनरी पर्सन आई आई हैव नोन इन माई लाइफ शेख मोहम्मद अली जफर उन्होंने ना मेरे को तो जब से याद है आई एम थर्टी सेवन नाउ और जब से भी मेरे को याद है दादा ने सिर्फ एक ही चीज बताया कि बेटा भाई से बड़ा कुछ नहीं पैसा नुकसान हो जाए चल जाएगा लेकिन ना भाई भाई को मत छोड़ना बचपन से ये फील रखा कि फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी थिंग राइट तो दैट इज वाई बिजनेस इज फ्लरिशिंग पर फैमिली के साथ काम करने में दूसरा एक चैलेंज होता है जहाँ सबके विचार अलग होते हैं राइट कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार ये बुरा भी होता है एंड इन लॉट ऑफ वेज नए जैसे आप लंदन से पढ़कर आए आपकी लर्निंग्स उस मार्केट से अलग होंगी आपकी लर्निंग्स कुछ अलग होंगी तो किस तरह से यू ऑल अराइव एट अ डिसीजन एक तो ना कि ये तो जीवन का नियम है कि दो लोग कभी भी एक जैसा नहीं सोच सकते तो हम लोग एक डिसीजन पर बहुत लड़के आते हैं तो वी फाइट विथ ईच अदर

Right or wrong, we we take decisions and we go forward. Yeah, I think that's the healthy way of working together. Yes. Definitely. आपने बात करी घर जाकर टेबल की और मैं ये जानना चाहूँगी आपके डिनर टेबल पर किस तरह का खाना बनता है और क्या स्पेशलिटीज है जिस पर पूरी फैमिली बॉन्ड करती है मोहम्मद भाई इज़ अ प्योर वेजिटेरियन सो हमारे oh, really? घर में yes, no. हमारे घर में जो कुकिंग होती है तो दो होती है एक हमारे लिए और एक मोहम्मद भाई के सेपरेटली क्योंकि ही डजेंट ईट ऑन दैट यूटेंसिल्स एज वेल तो प्योर yeah, वेजिटेरियन तो वी आर बोथ फाउंड ऑफ फूडीज पसंद yeah. है घर का पसंद है पर मेरे को पर्सनली आई एम मेरे को स्ट्रीट फूड और वो ज़्यादा पसंद है बनस्बत कोई फाइन डाइनिंग के पर मेरी वाइफ को फाइन डाइनिंग पसंद है तो हमको फाइन डाइनिंग जाना होता है <laughs> चलो स्ट्रीट फूड बताएं रायपुर का सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है पानीपुरी पानी अच्छा हम, हम लोग रोज पानीपुरी खाते हैं रोज एवरी मैं तो ऑफिस से निकलता हूँ वो हमारे सामने एक ठेला है वहीं पे गाड़ी रोकता हूँ रोज बीस रुपए का पानीपुरी खा के जाता हूँ अच्छा। तो में, में भी खाते हैं और दाऊदी बोहरा स्पेशलिटी है जो सिर्फ दाऊदी बोहरा घरों में ही बनता है उसको पलीदा खिचड़ी बोलते हैं पलीदा खिचड़ी हमारे यहाँ बनना कंपल्सरी है उसके बिना हमारा डिनर पूरा ही नहीं होगा तो दस्तखान में बैठते हैं थाल लगता है बड़ा सा और उसमें बैठ के खाते हैं। चलो बढ़िया नाउ बिफोर वी एंड मैं जानना चाहूँगी पेंट इंडस्ट्री में किस तरह के न्यू एवोल्यूशन हो रहे हैं और किस तरह से आप एज अ कंपनी अपने आप को अपडेटेड रखते हैं at par with whatever is happening internationally also. मेरे फादर का हमेशा बोलना है ये कि बेटा बनाना बहुत आसान है बना तो सब लेते हैं बेचना मुश्किल है तो उससे यह समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है और उसके प्रयास के लिए हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं जैसे कि हमने अपना खुद का एक आर सेंटर अभी नया लगाया एक एम और एक ऐसे स्केल पे एक आर सेंटर फुल फ्लरिश्ड आर सेंटर लगाना इज क्वाइट डिफिकल्ट पर इससे हमारा मोटिव यह है कि हम लोग कॉस्ट सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलप कर पाएँ जो हमारा मार्केट मांग रहा हो जिसको हम ऑप्टिमम प्राइस में बेस्ट प्राइस में मार्केट को अवेलेबल करा के हमारे कस्टमर्स को और हमारे रूरल मार्केट में हम उसको दे पाएं इसमें एक और आई नीड टू एड ऑन दिस किसी अभी ना पेंट इंडस्ट्री हाई कैपिटल इंडस्ट्री नहीं है बट पेंट इंडस्ट्री हाई मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसके अंदर ना सुपर एक्स्ट्रॉडनरी पैसा लगता है दूसरा इंडियन ऑडियंस जो है ना वो आ, थोड़ी सी ना ब्रांड कॉन्शियस है कोई आदमी ना यहाँ पर एक बड़ी चीज़ से ज़्यादा जुड़ना चाहता है बनिस्बत एक अच्छी चीज़ के hmm. और एक चीज़ जो मैं ना आपके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ पेंट ना एक एस्थेटिक प्रोडक्ट होता है असल में कोई भी आदमी कोई अगर सामान खरीदता है तो कुछ कारणों से खरीदता है जैसे बिल्डिंग में टीएमटी अच्छा यूज़ करता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है सीमेंट इसलिए यूज़ करता है कि वो सेफ्टी प्रोडक्ट है पेंट ना सिर्फ एक एस्थेटिक कोटिंग है hmm. अब आप एक बात समझिए यू हैव टू ट्रेवल द वर्ल्ड तो यू सी एवरी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड ये बिल्डिंग को देख के कोई बता सकता है ये कौन से पेंट से पेंट करी गई है नहीं <laughs> तो जब ये चीज नहीं बताई जा सकती तो वाई आर यू स्पेंडिंग एक्स्ट्रा फॉर अ ब्रांड भाई ऑब्वियसली yeah. ना भाई आपका पैसा वहां जाए hmm. जहां पर उसका value आपको वैल्यू मिले पेंट में इधर इट इज पॉपुलर पेंट्स और एनी पेंट्स इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड डेकोरेटिव पेंट्स इज डेकोरेटिव पेंट इमल्शन इमल्शन है और रॉ मटेरियल्स जो है ना इसके वी यूज कॉमन रॉ मटेरियल्स व्हिच मल्टीनेशनल कंपनीज आर यूजिंग वी हैव सेम फैसिलिटी वी हैव सेम मशीनरी बस यस आर जर्नी जस्ट स्टार्टेड वी हैव जस्ट अराइवड तो बट यस विद दिस वी we'll प्रोमिस के वट एवर वी डू इन लाइफ हाउ मच एवर वी बिकम बिग वी विल रिमेंबर दिस दैट वी हैव टू सर्व कॉमन पीपल ऑफ़ इंडिया एंड दैट इज़ द मंत्रा विजन और मतलब तो ये देसी भाषा में हम बताएँगे ना तो हमको यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाना है Okay. और एज ही टोल्ड वी हैव अ ग्रेट पॉपुलेशन एनी थिंग कैन बी कंज्यूम्ड हियर बट हम सही पैसे में सही सामान देंगे वो जितना पैसा दे रहा है उतने का सामान उसको देंगे बढ़िया एंड दैट विजन, आई एम श्योर यू एंड पॉपुलर पेंट्स इज़ ओनली गोइंग टू फ्लरिश। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Well I hope you enjoyed watching the show thanks so much for watching stay tuned to the celebrity talk show dekhte Raiye, news 18 Madhya Pradesh Chhattisgarh